आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने ग्रेटर नोएडा में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर अकेले किसी भी पार्टी के साथ बिना गठबंधन के चुनाव लड़ने वाली है। इसके साथ ही उन्होंने यूपी के लिए 33 उम्मीदवारों की सूची भी जारी कर दी। जहां पत्रकार वार्ता में चंद्रशेखर ने कहा कि हमारे साथ छल हुआ है, हमारे समाज के साथ छल हुआ है। इस सवाल के जवाब में पत्रकारों को चंद्रशेखर ने क्या कहा, आइए सुनाते हैं। अंत समय में मुझे लगा कि अखिलेश जी को दलितों की जरूरत नहीं है, वो इस गठबंधन में दलित नेताओं को, दलित लीडरशिप को नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि उनको दलित वोट करें, लेकिन मेरा डर ये था कि अगर दलित उनको वोट कर देंगे तो कल जो उनके ऊपर एक आरोप पिछली सरकारों में रहा, क्योंकि माननीय काशीराम साहब को मैं नेता मानता हूं, उन्होंने भरोसा करके नेताजी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर क्या हुआ आपके सामने। इसी डर को समाज के अंदर डर था, सारे बुद्धिजीवियों ने, हमने खुद में भी चर्चा की, सब लोगों ने कहा कि आप खुल के बात कीजिए कि कल ऐसा तो नहीं कि सरकार जाने के बाद, सरकार बनने के बाद जो है हम अपने विषय पर बात ही ना कर पाए, दलितों के साथ फिर वो शोषण हो, घर जलाए जाए, उनकी जमीन कब जाए जाए, उनको पीटा जाए, उनको सताया जाए, महिलाओं के रेप हो, हाथरस जैसे कांड हो। और दो दिन में निराशा हुई कि एक महीना 10 दिन के बाद उन्होंने कल अपमानित किया, ये दुखद। अपमानित किया आपको? ये बहुजन समाज के लोगों का उन्होंने अपमान किया है। किसने सर? अखिलेश यादव ने। तो कहने से नहीं चलेगा, तो हमने तय किया है कि अभी हम समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं जा रहे। अब हम, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जिन्होंने पिछले 6 साल से उत्तर प्रदेश में लड़ाई लड़ी है, घर घर जाके लोगों को तैयार किया है, बीजेपी के से हमने लाठियां खाई है, हमने मुकदमे झेले हैं, बीजेपी के खिलाफ जो है हम लोग लड़े हैं उत्तर प्रदेश में, सीएनपीआर एनआरसी का मामला हो, चाहे वो 69 शिक्षक भर्ती का मामला हो, हम सड़कों पर लड़े हैं। तो मैं समझता हूं कि अपने लोगों के हितों की रक्षा में स्वयं करनी पड़ेगी। मैं 25% दलितों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए हूं, उनको मैं अपमानित करने के लिए, मैं तो मान्यवर काशीराम साहब को नेता मानता हूं ना, उनको राष्ट्रपति बनाने का अवसर मिला, बीजेपी ने कहा बना देंगे, उन्होंने छोड़ दिया। मेरी लड़ाई विधायक एमपी बनने की नहीं, लड़ाई सामाजिक न्याय की। इस सवाल के जवाब में चंद्रशेखर ने कहा कि हमारी एक पार्टी के नेता से 25 सीटों पर गठबंधन की बात हुई थी, लेकिन उसने धोखा दे दिया, छल कर लिया। आपको बता दें कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहते थे, लेकिन सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पाए, और माना जा रहा है कि 25 सीट चंद्रशेखर ने मांगे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मात्र 2-3 सीटें देकर टरकाने की कोशिश की थी। जो चंद्रशेखर जी से बात हुई उस समय उन्होंने सीटें मांगी थी, मैंने कहा कि मैं 2 सीटें दे पाऊंगा, एक सीट क्योंकि आरएलडी के पास थी, मैंने उसी समय आरएलडी के नेताओं से बात कराई, उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया और उन्होंने रामपुर मनिहारन छोड़ दी। उसके बाद मैंने ये सीट उनको दे दी, इसके साथ साथ क्योंकि गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी उसको भी मैंने उनको दे दी, लेकिन उनके संगठन के बीच जो बातचीत हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता, संगठन मुझसे नाराज है, इतनी सीटों में संगठन संतुष्ट नहीं है, ये बात होकर के वो वापस चले गए। मैंने कहा ठीक है, हम पर इतनी ही सीटें हैं जो मैं दे सकता हूं। जिसके बाद चंद्रशेखर ने भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है, और इसी के साथ 33 उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी कर दिया। चुनाव है, अभी देखना होगा कि प्रदेश में और कौन कौन सी नई पार्टियां चुनाव लड़ने की घोषणा करती है, किसका किससे गठबंधन होता है, कौन नेता कौन से पार्टी में दल बदल करते हैं, और आखिरकार वोटिंग के बाद सरकार किसकी बनती है। इन तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए मोबाइल न्यूज 24 के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।